कई कल कैबिनेट में इस तरह की बातें आई कि विधायक मोदी विधायक खासतौर से विधायक मनमानी कर रहे हैं, क्या वाकई विधायक मनमानी कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएं और जो ये कह रहे हो कि रुपए खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, इनके जो लोग हैं वो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं। आज जिस प्रकार से सरकारी बैंकों का LIC का पैसा अडानी की कंपनियों को दिया गया है तो वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? और कांग्रेस के विधायकों को जिस प्रकार से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार बताइए तो सही, किस पे भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए हैं? आरोप लगाना तो बड़ी आसान बात है, हम इन पे आरोप लगा रहे हैं, सबूत के साथ लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। प्रदेश के अंदर इतना जबरदस्त बजट आया है मुख्यमंत्री जी ने, आम जन को जो राहत दी है, सभी वर्गों को जो राहत दी है, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा दिया है, बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, उन सब से ये लोग घबराए हुए हैं। और जो पुरानी पेंशन स्कीम शुरू की है मुख्यमंत्री जी ने, जिसको पूरे देश के अंदर फॉलो किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ कहने को नहीं है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो भाषण देते थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार हमारी सरकार, तो आज महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं? कल ही 50 रुपये सिलेंडर के अंदर बढ़ाए हैं, कांग्रेस के समय में 350-400 रुपये का सिलेंडर आज 1100-1200 रुपये तक पहुंच गया है, और उसके लिए इनकी जबान नहीं खुलती है। स्मृति ईरानी जहां सड़कों पे चूल्हा लेके आ जाती थी, आज वो नहीं बोल रही है। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर वर्ष देने की ये लोग बात करते थे, आज 2 करोड़ युवाओं का रोज़गार हर वर्ष छिन रहा है, उस पर ये लोग नहीं बोलते हैं। आज किस प्रकार की देश के अंदर लोगों के अंदर जो भावना इन लोगों ने पैदा कर दी, आज हरियाणा के अंदर आप लोगों ने जो देखा होगा घटना हुई है, जुनेद को और नासिर को जिस प्रकार से वहाँ जला दिया गया, क्या देश के अंदर कानून का राज नहीं है? जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जिस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है गोरक्षा के नाम पे या अन्य दल के नाम पे, वो मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसका खामियाजा हमें नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। देश संविधान से चलता है, देश के अंदर सब लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं उनको समानता का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आप जो गलत करता है उसके लिए कानून बना हुआ है, ये तो नहीं है कि कानून तोड़ के आप किसी भी प्रकार के जो हथकंडे अपना के लोगों को जिंदा जला दोगे। ये कभी भारत देश की न तो परंपरा रही है, न हिंदू धर्म की परंपरा रही है, न इसके संविधान की परंपरा रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान बनाया था वो इसलिए बनाया था कि देश के अंदर सभी जाति धर्म संप्रदाय अगड़े पिछड़े सब लोग समान रूप से साथ रहें। और आज जिस प्रकार के हालात देखिए, वो स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश की बात कर रहे हैं। देश के अंदर आज जिस प्रकार के हालात पैदा कर दिए गए हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना इस देश की रही है उसको आज खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिए लगातार जगह जगह इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, राजस्थान हरियाणा UP मध्य प्रदेश से लेकर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर इस प्रकार की हिंसक घटनाएं नहीं हो रही हो, आपस में प्यार प्रेम सौहार्द खत्म हो रहा हो। देखिए पेपर लीक की जहां तक मैं बात करूं, आज राजस्थान के अंदर हमने कार्रवाई की है, वसुंधरा के टाइम में पेपर लीक हुए, इन्होंने माने नहीं पेपर लीक हुए, बच्चे कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट से वो परीक्षाएं कैंसिल हुई। आज राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक हुए हैं सरकार ने खुद उजागर किए हैं, हमारी पुलिस ने हमारी SOG ने पकड़े हैं और उनको सलाखों के अंदर डाले, 100 से अधिक लोग अरेस्ट किए हैं, इनके खिलाफ सख्त कानून बनाए,
इनके जो बिल्डिंग है उन पे बुलडोजर हमने चलाए, हमने कार्रवाई की है। कहां पेपर लीक नहीं हो रहे? गुजरात के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, भारत की जो संस्थाएं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, जुडिशरी के पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक हुए हमने उस पर कार्रवाई की। हमने साबित करके दिखाया कि हम युवाओं का भविष्य चाहते हैं। आज इतने लाखों की संख्या में जो नौकरी राजस्थान के अंदर युवाओं को दी जा रही है उससे बीजेपी घबराई हुई है और उनको डर लगता है, इसलिए बार बार पेपर लीक का ये मुद्दा उठाते हैं। आज पेपर लीक हुए उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, उनको सलाखों के पीछे डाला और आज वापस जो भर्तियां हैं वो राजस्थान के अंदर चल रही हैं।